कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आज देख लीजिए कि 17 महीना के कार्यकाल में मौका मिला, लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दी। देंगे अगर कहें हैं तो वो देंगे, वो क्या बोलते हैं उस पर हमको कुछ ज़्यादा टिकट टिप्पणी करना उचित नहीं समझ। हर समय चुनावी वर्ष में दो चार इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, अपने क्षेत्र के बनावट के हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार चल उधर होते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पर हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर, और उसी दौरान उन्होंने यह ऐलान किया है कि उनकी अगर सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। साथ ही साथ चुनाव की तैयारी भी चल रहा है, पार्टी के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी मिली है, बनाए गए हैं कई जिलों के। हमारे साथ बातचीत कर लिए पूर्व मंत्री मास्टर कार्तिक हैं, क्योंकि इनको भी प्रभारी बनाया गया है शेखपुरा का, तो ये बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पहले भी पार्टी जो भी जिम्मेवारी हमको दी है उसको हम बखूबी निभाने का प्रयास किए हैं, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हम पर भरोसा विश्वास किए हैं, से पूरा जिला का प्रभारी बनाए हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बेहतर से बेहतर सामंजस्य बैठावें कार्यकर्ता और मतलब पदाधिकारी के बीच में, और जो भी संभव हमसे हो पाएगा अपने आप को वहाँ पूरा हम देंगे। लेकिन समस्या होता है क्षेत्रों में, कई तरह की बातें होती है, विधायकों को लेकर विरोध होता है, इस तरह की तस्वीरें प्रभारी देखते हैं। तो देखिए, जाने के बाद क्या वहाँ उभर के आता है बात, उसके बाद उस पर हम विचार करेंगे, वही तो कहेंगे सामंजस्य बिठाने का प्रयास पूरा करेंगे। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पर हैं, यात्रा पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं उनके ऊपर। नहीं, सवाल उठने का बात कहाँ से उठता है, सबसे पहले तो कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ होता है, कार्यकर्ता से जा रहे हैं लोगों का मतलब बात सुनने के लिए, कहाँ क्या कमी बेसी हो कुछ सुनेंगे, समय रहते सबको दुरुस्त करवा देंगे, गाइडलाइन देंगे हम लोगों को। लेकिन एक सवाल है ना कि नीतीश कुमार भी, अब उनकी भी चर्चा हो रही यात्रा पर जाएंगे, उनकी भी पार्टी है, वो भी अपना मतलब काम करेंगे, सब लोग स्वतंत्र अपना अपना पार्टी का करने के लिए, चुनावी वर्ष है। लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव को देखा देखी यात्रा पर जा रहे हैं। देखिए, आज के समय में युवाओं का भरोसा तेजस्वी यादव पर है, तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आज देख लीजिए कि 17 महीना के कार्यकाल में मौका मिला, लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दी है, जबकि तरह तरह का बात कहा जा रहा था कि कहाँ से नौकरी देंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या कौन भाषा का प्रयोग किए जो हम बोलना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन हमारे नेता बोले कुछ भी करने के लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए, जो इच्छा शक्ति आज की डेट में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी में है, वो जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा है 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन जेडीयू ये कह रही है कि हम तो सब्सिडी देते हैं, तेजस्वी यादव को भी देते हैं और आरजेडी के नेताओं को भी देते हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि अगर कहे कि 200 यूनिट फ्री देंगे तो अगर कहें हैं तो वो देंगे, वो क्या बोलते हैं उस पर हमको कुछ ज़्यादा टिकट टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं। लग रहा है कि देंगे, निश्चित देंगे। अच्छा, जो कहते हैं वो करते हैं। आपके पार्टी में भी टूट होने वाला है, मंत्री दावा कर रहे हैं कि विधायक कई संपर्क में हैं। जैसे दावा, हम ही कहते हैं कि उनका कुल विधायक हमारे संपर्क में है, बोलना करना वो तो समय बताएगा। हम लोगों के पास में अभी 116 विधायक हैं, तो हम ही लोग हैं, इधर से उधर भी तो हुआ लोग। अरे हम हर समय चुनावी वर्ष में दो चार इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, अपने क्षेत्र के बनावट के हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार चल उधर होते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या लग रहा है मुझे जेडीयू से के लोग आपके संपर्क में? देखिए, ये सब तो जबरदस्ती बुलवाते हैं जी, कह तो कि अपने सुविधा के मुताबिक लोग अपना जगह देखते रहते हैं जहाँ जिनका मथी बैठता है, ये सब तो बड़े हम लोग के संपर्क में रहेंगे, और जो संपर्क में भी होंगे तो हमारे बड़े नेता के संपर्क में होंगे। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ
आरजेडी के एमएलसी और पूर्व मंत्री मास्टर कार्तिकेय थे, और आपने सुना है किस तरीके से इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।